जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपके एस्ट्रो फ्रेंड स्वागत करती हूँ आप सबका आपके ही फेवरेट चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा खास उपाय शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही कारगर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय गुप्त नवरात्र चल रही हैं, तो दोस्तों नवरात्र में किया जाने वाला एक बहुत ही सटीक और अचूक उपाय बताने जा रही हूँ मैं आपको। याद रखिएगा दोस्तों, यह उपाय नवरात्र की पंचमी तिथि को करना है, जो कि कल है, बसंत पंचमी के दिन ही पंचमी तिथि है नवरात्रि की। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको करना क्या होगा। जिस भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, उसे अपने घर के मंदिर में, जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं, वहाँ ले जाकर अपने भगवान के सामने खड़ा करना है। फिर उससे दोनों हाथ आगे करने के लिए कहना है और फिर उसके हाथों पे एक आम के पत्ते पर कुमकुम से तथा हल्दी से, एक स्वास्तिक कुमकुम से बनाना है और एक स्वास्तिक हल्दी से बनाना है, तथा हल्दी वाले स्वास्तिक पर कुमकुम के चावल रखने हैं, कुमकुम से कलर करके एक चावल रखने हैं, तथा कुमकुम वाले स्वास्तिक पर हल्दी से कलर किए हुए चावल रखने हैं। और फिर उस आम के पत्ते को, जिस भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उनके दोनों हाथों पर देना है, उनका नाम और गोत्र बोलना है, तथा मंदिर में भगवान जी के सामने खड़े होकर उनसे उनके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। बेटा या बेटी खुद भी प्रार्थना करें और माँ जो यह उपाय कर रही हैं वो भी प्रार्थना करें। उसके पश्चात यह आम का पत्ता माँ ले जाकर किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे रख दें और हाथ जोड़कर उनसे विनती कर वापस आ जाएं। देखिएगा दोस्तों, यह उपाय करते ही बहुत जल्द आपके विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही कारगर उपाय है, अतः एक बार इसे अवश्य करें तथा अपने शीघ्र विवाह के योग बनाएं। यह कई लोगों पर आजमाया हुआ तथा असरदार उपाय है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो तथा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें।